पीनट कुकीज विद अ ट्विस्ट ते बारो क्रिस्पी ते अंदरो क्रीमी हुंदी है ते दिखन च बहुत ही सोहणिया आओ वेखिए किस तरह बनती है। इसलिए एक बाउल विच एक कप मैदा ले लो, एक चौथाई चम्मच नमक, इस विच दो वड्डे चम्मच बुरा चीनी दे ऐड कर लो, दो वड्डे चम्मच अनसॉल्टेड बटर पाके इस नूं दोबारा अच्छे नाल मिक्स कर लो, फिर इस विच एक एग योक पाके दोबारा अच्छे नाल मिक्स कर लो, फिर इस विच 40 ml दूध पाके इसका एक सॉफ्ट आटा गुन लो, फिर दूध जरूरत के हिसाब नाल ही ऐड करो। साडा आटा हुण रेडी है, इस नूं कपड़े नाल कवर करके अद्धे घंटे लई रेस्ट लई छड्ड दिओ। हुण इहदी फिलिंग तैयार करांगे। फिलिंग लई मैं 200 ग्राम मूंगफली विच 75 ग्राम चीनी पा के इस नूं अच्छे नाल पीस लिया जद तक कि इहदी इक स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। साडी पेस्ट रेडी है, हुण असीं अपनी कुकीज़ नूं कंपाइल करांगे। इस लई मैं अपने कुकी डो नूं 4 इक्वल हिस्सों विच डिवाइड कर लिया। और एक हिस्सा लेके इस नूं लंबी तौर ते वेल लवां, असीं इहदी पतली लंबी शीट बनानी है। हुण एक चाकू दी मदद नाल असीं इहनूं एक परफेक्ट रेक्टेंगल शेप दे दांगे। एक्सेस दो असीं दोबारा रीयूज कर लांगे। अपनी पीनट फिलिंग दा थोड़ा जिहा पोर्शन लेके उस नूं लंबा रोल कर लांगे। इस नूं हुण शीट उत्ते रख के एक्सेस फिलिंग नूं रिमूव कर दांगे। हुण अपनी शीट नूं रोल करना शुरू कर दांगे। अच्छे नाल रोल करन तों बाद इहदे एंड्स नूं पिंच करके अच्छे नाल सील कर दांगे। जे तुहाडा डो हल्का जिहा सॉफ्ट हो गया है तां तुसीं इस नूं थोड़ी देर लई फ्रिज विच रख सकदे हो। इहदी एंड्स तों थोड़ा थोड़ा पोर्शन कट के स्मूथ कर लो, एक चाकू दी मदद नाल थोड़े थोड़े डिस्टेंस ते कट पा लो। असीं कट्स नूं ज़्यादा डीप नहीं करना, एक इंच ते डिस्टेंस ते पूरा डो नूं कट के सेंटर चों पिंच कर लो ते इहदी एंड्स नूं डिफाइन कर लो। बाकी दी कुकीज भी इस तरह ही तैयार करो। हम उसे अपने प्री हीटेड ओवन विच 170 डिग्री ते 15-20 मिनट लई इन्हां नूं बेक कर दांगे जब तक इन्हां दे सरफेस ते हल्का जिहा गोल्डन ब्राउन कलर ना आए। साडी कुकीज रेडी है, इन्हां नूं जरूर ट्राई करो। मैं डॉक्टर रवनी ताडे लई सिंपल ते इनोवेटिव डिशेज लियांदी रहांगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।